सनी बहुत अच्छा दोस्त है, उनसे थे और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत एक्साइटिंग लोकेशन जा रहा है, ताइवान जा रहा है। मैं 12 साल की उम्र से लेकिन ताइवान कभी गया नहीं हूँ, कभी मौका नहीं मिला। सो आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं जानता हूँ कि सनी की क्रिएटिव आइडियाज़ और उसकी टीम की आइडियाज़ बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। सो और टेलीविजन के एक्टर्स आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत फिट हैं, दे आर वेरी वेरी गुड। तो जो इनके जो कैलेंडर आएगा इट विल बी रियली फैंटास्टिक, आई एम श्योर इट विल बी वेरी एक्साइटिंग है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई थिंक सनी को अभी खुद कैलेंडर में आना चाहिए क्योंकि खुद इतना गुड लुकिंग है और खुद इतना फिट है। ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू क्वाइट अ फ्यू ऑफ दीज टेलीविजन एक्टर्स एंड टू ऑल ऑफ अस। लेकिन आई थिंक एवरी ईयर दे आर डूइंग समथिंग न्यू एंड दे आर डूइंग समथिंग वेरी बिग। तो ईच ईयर कुछ एक्साइटिंग और कुछ बड़ा करना चाहते हैं एंड आई थिंक दिस ईयर इट विल बी समथिंग स्पेक्टेकुलर। अच्छा, कुछ बदलाव कुछ कहना चाहेंगे कि ये होना चाहिए? आई थिंक हर साल लोग पुश करते हैं एनवेलोप को, ज़्यादा बोल्ड करते हैं, कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं एंड आई थिंक टेलीविजन इज़ रेडी फॉर इट, ऑडियंसेस आर रेडी फॉर इट। तो आई होप दिस टाइम सनी पुशेस द एनवेलोप और थोड़ा ज़्यादा बोल्ड बनाए। ओके, बोल्ड का मतलब वल्गर नहीं, बोल्ड, दैट्स इट। फिल्मों के आप अनाउंसमेंट बहुत शीघ्र सुनने वाले और मैं घर वापस जा रहा हूँ। होपफुली घर का मतलब लोग समझ जाते हैं किन के साथ, तो बहुत जल्द उधर से आप लोगों को अनाउंसमेंट आ जाएगा।